हेलो विमल जी बोल रहे हैं जी भैया। सर कॉलिंग फ्रॉम होटल। जी बताइए। आपकी शादी के लिए होटल बुक थी 24 तारीख को, राइट? जी हाँ, राइट। तो वो कैंसिल हो रही है सर। है? क्या बोले आप? कैंसिल हो रही है सर। नहीं, काहे कैंसिल हो रही भैया? अब भैया 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है और तुम बता दो कैंसिल हो रही है। एक मिनट सर, हम बता रहे हैं आपको कोरोना के नियमों के कारण ही, जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में बढ़ रहा है। कोरोना भैया, हमारी 6 साल बाद शादी हो रही, कितनी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है आपको पता है? और तुम बता रहे हो कि यार हमारी शादी कैंसिल हो रही है। नहीं नहीं, आपकी शादी कैंसिल नहीं हो रही है सर, हम होटल की बुकिंग कैंसिल कर रही है सर, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अफोर्ड दिस राइट दिस पॉइंट। भैया कुछ भी हो जाए, कोरोना हमको हमारी शादी करनी है भैया, 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है भैया, बड़ी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोरोना के नियमों के कारण कैंसिल हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो भी एक उपाय है, ठीक है ना? लेकिन वो क्या होगा, कोरोना के नियमों का पालन करके शादी होगी फिर। बिल्कुल भैया, सब पालन होगा, सारे नियमों का पालन होगा, आप बताओ। तो सर खाने पीने का मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो आई होप यू डोंट माइंड दैट। हाँ, आप हमारे शेफ से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। सर हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ सर, क्या है, हम बारातियों का स्वागत भाप से करेंगे, यानी कि वेपर से। वेपर वेपर सर, वो सांस का क्लीनिंग करने के लिए। और सर फिर मॉर्निंग में ना हम लोग ब्रेकफास्ट में जड़ी बूटियाँ देंगे फॉर इम्यूनिटी, और साथ में काढ़ा देंगे। शादी हो रहा है, आना बड़ी मुश्किल से। बट सर ये तो नियम है ना, अभी ले रहे ना। नहीं सर, ये तो अभी नियम है हमारे, ले रहे हैं। और सर सर हमारे मेन्यू में ना हर चीज में हम हल्दी डाल देंगे। अरे अदरक भी डाल देंगे सर। आपको हल्दी लगे ना लगे, लेकिन खाने में हल्दी बहुत जरूरी है सर। अरे हमारी बारात आ रही है, शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, ऐसा खाना देंगे, नाश्ता देंगे। सर देखिए, हम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आप सर एक काम करें सर, हमारी जो हेल्थ टीम है ना, आप उनसे एक बार बात कर ले, मेडिकल टीम जो है, सबसे बात करा दो हमारी। हेलो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रही है। हाँ, बताइए आगे बताइए। और इसके लिए मास्क है जरूरी और 6 गज की दूरी। जी ये पता है हमको, आगे बताइए। नहीं सर, इनके कहने का मतलब आप समझे नहीं सर, मास्क है जरूरी क्योंकि आप शादी के बाद में हमारे होटल में ठहर रहे हैं सर। हाँ तो सर आप जिस कमरे में रहेंगे, हाँ ठीक है ना, हम लोग कोई लबड़ धबड़ नहीं चाहिए वहाँ पे। लबड़ धबड़ नहीं चाहिए मतलब क्या सर? 6 गज की दूरी, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। आप एंड भाभी जी के बीच में दूरी रहेगी, हम लोग हमारे होटल में कोई लबड़ धबड़ नहीं चाहिए। अरे किसे शादी हो रही है, लबड़ सबड़ के लिए हम शादी कर रहे हो, तुम बता रहे हो वही नहीं होगा। ये सर आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि 6 साल बाद बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल? क्या बहुत मुश्किलों के बाद में हो रही है क्या शादी? अरे भैया बड़ी मुश्किलों के सर, लेकिन एक चीज है सर कि लबड़ धबड़ नहीं होगा सर हमारे यहाँ पे। भैया लबड़ सबड़ के लिए तो इंतजार कर रहे हैं 6 साल के बाद, बता रहे हो लबड़ सबड़ नहीं होगा। अरे भैया करो तुम लबड़ धबड़। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर। 24 अप्रैल को ही होगी सर आपकी 6 साल के बाद में बड़ी मुद्दत। अरे भैया टैग करें आपके उस दोस्त को जिसकी शादी नहीं हो रही है। हमको नहीं, हमको मत करना। शादियों का सीजन है, शादियां होती रहेंगी, इसलिए आपसे बस एक ही गुजारिश है कि नियमों का पालन करें और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। रेड एफएम बजाते रहो।